नमस्कार, मैं नियाज खान, एचटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सोमवार को धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत सड़क पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। इसका ऐलान रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने भी कमर कस ली है। मीडिया से रूबरू होते हुए गोइंडी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनता को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मास्क लावणं हे अत्यंत गरजेचंच आहे। प्रथम आपण स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणं, स्वच्छता ठेवणं आणि त्यानंतर मास्क लावणं, सॅनिटाईज वापरणं हे अत्यंत आवश्यक आहे। आणि या रोगाचा प्रादुर्भाव एकमेकाच्या संपर्कात आल्याने होतो, तर सर्वांनी सुरक्षित अंतर ठेवणं, कमीत कमी 1 मीटरचं अंतर ठेवून 4 किंवा 4 पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्रित येऊन कोणतंही काम करू नये, असं माझं मत आहे। इस अवसर पर समाजसेवक शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक महेश्वरी जी ने भी अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। दीपक महेश्वरी जी ने धारा 144 का भी जिक्र करते हुए मुंबई करों व देश की जनता से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सहयोग करने की अपील की है। धारा 144 सीएम साहब ने जो लगाई है, तो उसके अनुसार मैं सबसे यही विनती करूंगा कि जितनी हो सके भीड़ ना कर लगाएं और 4 से ज़्यादा लोग एकत्र कहीं घूमे नहीं, और जितना हो सके अपने घर के सीमा के अंदर ही रहे, उतना सीमित बेटर है। गोवंडी पुलिस स्टेशन पे मास्क वाटप का कार्यक्रम हमने लिया है। उद्धव साहब के जो आशीर्वाद से जो ये कार्य को सब सारे शिवसैनिक आगे ले रहे हैं, वैसे ही हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं खाली इतना ही सबसे विनती करूँगा, जितना हो सके लोगों से कि अपने घर में रहे, जितना लोगों के संपर्क में नहीं है उतना बेटर है अपने लिए, और एक दूरी बनाए रखे तो जैसे बीमारी का जल्दी जल्दी कोई इलाज निकल सके, हल निकल सके। धन्यवाद। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।